बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अकील महबूब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पोंडाइलोलिस्थीसिस क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये किस वजह से होती है, किन लोगों को हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, और इसके लिए सर्जरी बहुत ज़रूरी है या सर्जरी के बग़ैर भी हम फिजियोथेरेपी से या घर में एक्सरसाइज करके इससे हम ठीक हो सकते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं इसके नाम से, स्पोंडाइलोलिस्थीसिस। स्पोंडाइलोलिस्थीसिस के अगर हम नाम को ही देखें तो उससे हमें पता लगता है कि ये चीज़ क्या है। स्पोंडाई का मतलब स्पाइन, लिस्थीसिस का मतलब स्लिपेज, यानी कि स्पाइन जो कि स्लिप हो चुकी है। तो इससे मुराद ये है कि स्पोंडाइलोलिस्थीसिस में हमारी जो स्पाइन है उसमें वर्टिब्रा होते हैं, तो वो कोई एक वर्टिब्रा उस स्पाइन में से कोई एक वर्टिब्रा नीचे वाले वर्टिब्रा से स्लिप हो गया है, यानी कि इस तरह से दो वर्टिब्रा अटैच हैं आपस में, तो ऊपर वाला जो वर्टिब्रा है वो स्लिप हो गए, या तो आगे को चला गया है या स्लिप हो के वो पीछे को आ गया है। तो इसमें दो कंडीशंस हैं, अगर वर्टिब्रा स्लिप होके आगे को चला जाए तो उसे हम एंटीरियोलिस्थीसिस कहते हैं, वही वर्टिब्रा अगर स्लिप होने की आगे की बजाय पीछे को आ जाए तो उसे हम रिट्रोलिस्थीसिस कहते हैं। तो देखना यह है कि इसकी कॉजेज क्या है, ये किस वजह से हो सकती है। स्पोंडाइलोलिस्थीसिस स्पोंडाइलोसिस की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि आर्थराइटिस की वजह से हो सकती है, या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से हो सकती है, या फिर ट्रोमा एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, या फिर किसी ट्यूमर की वजह से भी ये हो सकती है। उसके अलावा बैड पोस्चर और कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिसकी वजह से स्पाइन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, मेनली लंबर स्पाइन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी ये स्पोंडाइलोलिस्थीसिस हो सकता है। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें स्पोंडाइलोलिस्थीसिस में, सबसे पहले हमारी बैक में पेन स्टार्ट होगी, जहाँ पे वर्टिब्रा स्लिप है वहाँ पे पेन स्टार्ट होगी। जब वर्टिब्रा हमारी स्पाइन हिल जाएगी, स्लिप होगी, तो हमारी जो स्पाइन है उसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रही होती है, बहुत सी नर्व पास हो रही होती हैं, तो वो भी डिस्टर्ब होंगी। जब वहाँ पे नर्व इम्पिंजमेंट होगी, यानी कि वहाँ पे जो नर्व है जो कि हमारी लोअर बॉडी को, हमारी लेंग्स को सप्लाई कर रही है, वो भी डिस्टर्ब होगी, वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो पेन है हमारी लेग में भी जाएगी। लेग में पेन जाने की वजह से हमारी जो लेग है वो सुन होने लग जाएंगी, सुन होने के साथ साथ उसमें वीकनेस इतनी हो जाएगी कि हम अपना वेट भी बियर नहीं कर सकते, तो हमारा जो गेट है जब हम चलेंगे तो हमारी जो चाल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसमें शफलिंग गेट हो जाएगा, ठीक से हम अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर सकेंगे, ज़्यादा देर तक हम बैठ नहीं सकेंगे, सिटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसी की वजह से शियाटिका पेन भी हो सकती है, क्योंकि हमने पहले बात की कि नर्व वहाँ से पास हो रही होती है, तो शियाटिक नर्व मेन ऐसी नर्व है जो कि हमारे लोअर लिम को, हमारे लेग को सप्लाई कर रही होती है, तो उसकी सिम्टम भी हमें शो होंगी। तो इन सब के बाद हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में दो तरह के ट्रीटमेंट है, एक नॉन सर्जिकल और एक सर्जिकल। तो हमें पता होना चाहिए कि सर्जिकल ट्रीटमेंट हमें कब लेना चाहिए और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कब तक लेना चाहिए। इस स्पोंडाइलोलिस्थीसिस के कुछ ग्रेड होते हैं। अब अगर ग्रेड हमारा 1 है 2 है या 3 है तो हम इसमें भी एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं, या हम फिजियोथेरेपी करवा के ठीक हो सकते हैं। स्टार्ट में हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं, जब ये केस स्टार्ट होता है हमें पता लगता है कि बैक पेन हो रही है, हमारे जो सिम्टम्स हमने बात की वो सारी हमें शो होती हैं, फिर हम MRI एक्सरे करवाते हैं तो हमें पता लगता है कि स्पोंडाइलोलिस्थीसिस है, और पता लगता है कि ये भी स्टार्ट है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको एक जगह पे रोक सकते हैं, इसकी सिम्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम फिजिकल थेरेपी की तरफ आते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको एक्सरसाइज करवाएगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाएगा, उसके बाद आपको होम प्लान देगा, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताएगा, और आपको बताएगा कि इस कंडीशन में कौन सी मूवमेंट करनी है और कौन सी मूवमेंट से अवॉइड करना है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत से रीज़न ऐसे हैं बैक पेन के जिसमें हम स्पाइन को फ्लेक्स नहीं करते, यानी कि झुकते नहीं बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ उठाने के लिए नहीं झुकते, उसके अलावा भी हम अपना पोस्चर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा झुकाते नहीं, आगे की तरफ नहीं होते, यानी कि हम अपनी स्पाइन की फ्लेक्शन नहीं करते। लेकिन ये कंडीशन ऐसी है इसमें हम अपनी स्पाइन की एक्सटेंशन नहीं करते, यानी कि हम बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं जाते,
या फिर हम इस तरह कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं करते जिसमें हमारी जो स्पाइन है वो इस तरह से एक्सटेंशन में जाए, पीछे की तरफ जाए, क्योंकि आगे ही हमारा जो वर्टिब्रा है वो स्लिप होके आगे की तरफ आया हुआ है। तो जितना ज़्यादा हम एक्सटेंशन करेंगे अपनी बैक की तो वो ज़्यादा उसको मजीद फोर्स लगेगी और वो बिगड़ सकता है। तो इसलिए हमने इसकी वो एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें हम अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर रहे हो, अपनी स्पाइन को फ्लेक्स कर रहे हो, जिस तरह से क्रंचेज हैं, कोई भी एब्डोमिन एक्सरसाइजेस हैं उसमें हम देखते हैं कि हम अपनी स्पाइन को फ्लेक्स कर रहे होते हैं, तो हम इसमें वो एक्सरसाइज करते हैं और वो एक्सरसाइज नहीं करते जो कि जिसमें हमारी स्पाइन की एक्सटेंशन हो रही हो। उसके साथ साथ हम प्रॉपर बेड रेस्ट पे आ जाएंगे। कोई अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है, ड्राइविंग है या फिर कोई भी ऐसा काम है जिसमें हम ज़्यादा देर तक खड़े हो रहे हैं या बैठ रहे हैं, वो भी हम कम कर देंगे। इतना कम कर देंगे कि ज़्यादातर हम दिन का ज़्यादा हिस्सा जो है वो हम लेट के ही गुजारेंगे। ये रेस्ट के साथ, एक्सरसाइज के साथ हम अपने इस सिम्टम्स को, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के सिम्टम्स को जो कि अभी स्टार्टिंग है, एक्यूट सिम्टम्स हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई एहतियात नहीं करता और उसकी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, 2-3 साल हो गए हैं उसकी इस कंडीशन को, फिर उसका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सर्जरी ही करवानी पड़ती है, ऑपरेशन ही उसका हल रह जाता है। इसलिए हमें इस कंडीशन में स्टार्ट में ही अपनी एहतियात शुरू कर देनी चाहिए, एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वज़न को उठाना भी कम कर देना चाहिए, और रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन में। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह मजीद हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुँच सके।